Okay, so now I told you that we have different sources of history. We have the written sources, we have the oral sources, material sources and audiovisual. Written sources में आ गए आपके newspapers, periodicals, journals, diaries, encyclopedias, postage stamps. Newspapers भी मैंने बता दिया. They give us a lot of information on different topics. They are the fourth pillars of democracy. Newspapers क्या करते हैं, साल के end में अपना एक special edition या अपना एक special supplement निकालते हैं जिसमें पूरे साल के important events जो हुए हैं वो highlight हो जाते हैं. तो इससे अगर हमको किसी भी इवेंट के बारे में जानना या लिखना है, सो दैट बिकम्स पॉसिबल. नाउ द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया हर साल एक मैगजीन पब्लिश करता है विच इज नोन एज द इंडिया 2000. अब ये मैगजीन में इंडिया के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. इट इज अबाउट द लैंड, मतलब हमारा जो मदरलैंड है. इट इज अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया, the culture, the traditions, the food habits, the climate of India, the different weather patterns in India, the population ka size, population ka density. It talks about our trade, commerce, transport system, industries, tourist spots, the different religions in India, how people live together over here. It gives us information on our printing technologies. It talks about science, it talks about medicine, it talks about agriculture, it talks about all the important cities, towns and villages in India. So it is a complete document in itself jo humko India aur India ke rich cultural history ke bare mein batata hai. Now let's move on to the next written source, which is postage stamps. अब पोस्टेज स्टैम्प तुमको पता होगा जो लेटर्स के ऊपर हम लोग लगाते हैं, पोस्ट कार्ड्स के ऊपर लगाते हैं. दीज स्टैम्प्स आर इशूड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट. इंडिपेंडेंस के टाइम से लेके अभी तक ये पोस्टेज स्टैम्प्स के साइज एंड कलर में बहुत सारा वेरिएशन आया है. ये पोस्टेज स्टैम्प्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, जैसे एनिमल्स के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर, कोई ग्रेट पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर. दे कम इन डिफरेंट शेप्स एंड इन डिफरेंट कलर्स एंड साइजेस. एंड कभी कभी अगर कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है हिस्ट्री में, अगर उसका 100 ईयर्स हुआ है, दैट मीन्स अ सेंटेनरी और अ बाई सेंटेनरी विच मीन्स 200 ईयर्स और ट्राई सेंटेनरी मीन्स 300 ईयर्स, तो पोस्टल डिपार्टमेंट कभी कभी उसके ऊपर भी स्पेशल स्टैम्प्स इशू करता है. सो दीज पोस्टल स्टैम्प्स ऑल्सो टेल अस अ लॉट अबाउट आवर हिस्ट्री. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पोस्टेज स्टैम्प्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द नेम ऑफ वन पर्सन एंड दैट इज जल कूपर. जल कूपर वॉज अ फिलैटलिस्ट. फिलैटलिस्ट का मतलब होता है वो लोग जो अपनी हॉबी के लिए स्टैम्प्स को कलेक्ट करते हैं. बट जल कूपर ने अपनी हॉबी को एक इंटरनेशनल लेवल पे वो ले गया था एंड ही टुक इंडियन स्टैम्प्स टू द वर्ल्ड. तो उसकी स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी इतना फेमस हो गई थी कि इंटरनेशनल लेवल पे उसको रिकग्निशन मिलने लगा. ही वॉज बॉर्न इन अ पारसी फैमिली इन मुंबई एंड इनिशियली ही यूज्ड टू कलेक्ट स्टैम्प्स एज अ हॉबी. स्लोली ही एडिटेड अ स्टैम्प जर्नल. He has written many books on this topic and he founded a philatelic bureau in India. This was the first office in India जहां officially stamps collect होते थे. तो government ने, because उसको इतना honor मिला ये stamp collection field में, government ने उसके honor में एक जल कूपर stamp issue किया था in 1977. So now I have told you about the written sources, we have discussed newspapers, we have discussed postage stamps. Now next we will be talking about the material sources of history.